हेलो गाइस, हमर लैब में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों को सीबीसी कैसे होता है वो बताएंगे और दिखाएंगे भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, उन लोगों को नहीं आता है। तो उन्हीं लोगों के लिए है, जितने टेक्नीशियन हैं उनको तो पता होगा ही, क्योंकि वो सीख के आए हैं और अभी ये सीखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग अपने सर मैडम से पूछ सकते हैं कैसे लगाना है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको नहीं पता है, जैसे लो प्लेटलेट आ रहा है, HB आ रहा है, जो सैंपल मिक्सिंग करने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, उससे ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए हम CBC लगा के दिखाते हैं। हमारे पास दो मोक्षित का है जो CGMSC का है और एक मेरिल का है जो बाहर से परचेज किया गया है। दोनों तो हम रिपोर्ट देखेंगे कैसे आता है, क्योंकि हर मशीन का रिपोर्टिंग कुछ अलग होता है, एक आध पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, और हमारे यहाँ QC वगैरह भी लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या रिपोर्टिंग आता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग नए हैं आप लोग बने रहें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये दो मोक्षित का है, CGMSC गवर्नमेंट का है और ये मेरिल का है। ये दोनों CGMSC का है और वो मेरिल का है, मतलब ये मोक्षित का है। तो पहले हम मोक्षित में लगाते हैं, और ये देख सकते हैं सैंपल। इस सैंपल में प्लाज्मा, जितने भी टेक्नीशियन हैं आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा, इसका HB कितना होना चाहिए, कितना आना आ सकता है। ये आप लोग इसका प्लाज्मा RBC देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका HB 8 ग्राम होना चाहिए। तो चलिए अब लगा के देखते हैं इसका क्या रिपोर्ट आता है, HB कितना होता है, चलिए देखेंगे। जैसे जितने भी हमारे, मैं पहले भी बोला हूँ कि स्टूडेंट है चाहे जो भी नए हैं वो टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास रोलर है तो इसमें भी आप रोल कर सकते हैं, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देख सकते हैं, जब तक ये मिक्स होता है तब तक हम मशीन में सेटअप करेंगे। अयोध्या 74 ईयर मेल। चलिए इन्फॉर्मेशन, अयोध्या 74 ईयर मेल, ओके। और जब भी आप सैंपल मशीन में पिला रहे हैं तो ध्यान से देख ले कि इसमें क्लॉट वगैरह ना हो, और अगर इसमें क्लॉट होगा तो इसके प्रोब में फंस जाएगा, जिसके वजह से मशीन रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं करेगा। तो इसमें क्लॉट नहीं लग रहा है हमें, फिर भी अगर रह जाता है तो और एक ट्रिक है जिससे सिंपल सा इसे पिलाया जाता है। ये मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद सावधानी से करें आप लोग, ग्लव्स वगैरह पहन लें, क्योंकि ये देखिए ये ट्यूब देख सकते हैं आप, इसका ढक्कन, ये ट्यूब कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए जैसे इसका ब्लड बाहर आ रहा है, तो इसे अच्छे से खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, हाथों में ना लगे। चलिए एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, तो चलिए दोनों हाथ का यूज़ करते हैं। और एक ट्रिक जो था, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, हल्का सा प्रोब आपका ऊपर हो सैंपल से, एकदम नीचे ऐसे सटा ना दे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और आपको इसको पीछे प्रेस करना है। ऐसा हमने इसलिए किया, अगर नीचे कोई क्लॉट हुआ तो ये प्रोब उसको शक नहीं कर पाएगा, कम से कम ये मशीन फंसेगा नहीं, खराब नहीं होगा, रिपोर्टिंग गलत आ सकता है, लेकिन उससे इसका प्रोब
ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब रिपोर्टिंग वेट करते हैं। ये हो गया जैसे कि हमने बोला था, इसके HB 8 ग्राम होना चाहिए, 7.7 ग्राम इसमें देख सकते हैं। तो लगभग अंदाज़ा हमारा सही बैठा, 3 पॉइंट का फ़र्क है 8 ग्राम से। तो चलिए इसी को अब हम मेरिल में लगा के देखते हैं, इस मशीन में हम लगा के देखेंगे। नेक्स्ट नेम अयोध्या, मेल एंटर, 74 ईयर, ओके। सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही करेंगे। प्रोब को हल्का हम ऊपर ही रखेंगे, ये देखिए प्रेस कर दिया हमने पीछे। अब रिपोर्टिंग का वेट करते हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट मशीन। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट भी देखना होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम इसे भी दिखाएंगे। और इसमें कुछ ख़ास बातें हैं तो हम इसको अगली वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट इसको दिखाना ज़रूरी है अगर ये मोक्षित का इलेक्ट्रोलाइट मशीन आपके यहाँ है तो, क्योंकि हमारे यहाँ इसके साथ ये चीज़ हो चुका है। तो चलिए इसका रिपोर्टिंग देखिए, 8.0 प्लेटलेट डाउन है इनका, प्लेटलेट 1.5 लाख से 3 लाख तक होना चाहिए बट यहाँ 43,000 ही है। HB कम है, प्लेटलेट भी कम है, आप लोगों ने देखा इसका भी रिपोर्टिंग और उसका भी रिपोर्टिंग। उसका प्लेटलेट कितना है, 33,000, 10,000 का डिफरेंस है इसमें और उसमें। उसमें 33,000 आया है और इसमें 43,000 है, देख सकते हैं 10,000 का डिफरेंस है। HB में भी 3 पॉइंट का डिफरेंस है, देखा आप लोगों ने हमने कैसे लगाया और जो ट्रिक बताया इस ट्रिक से आप लोग भी लगा सकते हैं। सैंपल को अच्छे से मिक्स करें और जैसे हमने बताया प्रोब को हल्का ऊपर रखिए, जिससे अगर नीचे क्लॉट वगैरह हुआ तो वो नीचे ही रह जाएगा, प्रोब में वो नहीं जा पाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाना है। और आप लोगों तक अगर ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, कोई शेयर ही नहीं कर रहे होंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके।
तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन को ऑल में सेट करके रख लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।